नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही खास है और बहुत ही इजी टिप्स है। और मैं बता दूं फ्रेंड, इस टिप्स के माध्यम से अगर आप चाहे तो इस बार के आईपीएल में करोड़पति बन सकते हैं। आप यकीन मानिए, बन सकते हैं। और मैं पहले बता दे रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और पहले तो आप एक लाइक कर दीजिए, और भी लाइक कर दीजिए, वीडियो रोक करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इतने सारे वीडियो डालते हैं ग्रैंड लीग से लेकर के, सब रिसर्च करते हैं, खोजते हैं, सब एनालिसिस करते हैं, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और हम लाइक बार बार बोलते हैं वीडियो पर, मेरा लाइक नहीं आता है। तो इस तरह इस वीडियो में अगर लाइक नहीं आ रहा है फ्रेंड, तो फिर हम एनालिसिस करना बंद कर देंगे, और बहुत सारा अभी कुछ एनालिसिस करना बाकी है जो कि छोड़ देंगे, क्योंकि हमको भी काम धंधा होता है, वो सब कुछ छोड़ करके हम पूरे दिन इस पर टाइम देते हैं, तो वो सब हम बंद करने वाले हैं अगर नहीं आता है तो, या फिर ये वीडियो मेरा वायरल नहीं होता है तो फिर ये सब बंद कर देंगे, अपना काम करेंगे बस। और फ्रेंड, मैं बता दूं कि ये जो टिप्स है बहुत ही आसान टिप्स है, लेकिन हर मैच में काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जिस मैच में काम कर गया समझिए, आपका ज़िंदगी बदल देगा। और ये जो टिप्स है फ्रेंड, इस टिप्स को हल्का में मत लीजिएगा। ये जो टीम जो इस प्रकार से जो हम कॉम्बिनेशन आज लेकर जो हम आए हैं, इस टिप्स को बस सुन करके, बहुत सारा वीडियो फ्रेंड, हम कुछ वीडियो मेरा अपलोड है जो कि बहुत हमारे व्यूअर्स मतलब कि सब्सक्राइबर जो है कमेंट कर देते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर है, जो भी मैं टिप्स बताता हूँ, हाँ ये अलग बात है कि सब मैच में वर्क नहीं करता, लेकिन वो वर्किंग ही टिप्स होता है, और बहुत ही खोज करके मैं टिप्स बताता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बस इमेज उठाया, वीडियो बनाया, शूट कर दिया, अपलोड कर दिया, ये आप मत सोचिएगा। और वो टिप्स मैं इसलिए बताता हूँ और इसलिए सर्च करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी ग्रैंड लीग खेलते हैं, हमारा भी फोकस ग्रैंड लीग पे ही रहता है ज़्यादा, और हमको भी काम आएगा, इसलिए हम ये बताते हैं, और जो बताते हैं वो हमको याद हो जाए, क्योंकि कुछ टिप्स जो है आप रिसर्च करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब वही चीज़ को अगर दो चार बार बोल देते हैं कहीं पे या फिर लिख देते हैं तो याद हो जाता है। ये लॉजिक है, किसी चीज़ को याद करना है तो या तो उसको बोलिए या फिर कहीं पे दो चार बार लिखिए, उससे याद हो जाता है। तो फ्रेंड, वो सब बात छोड़िए, जो कमेंट करते हैं करने दीजिए, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि जो भी मेरा टिप्स होता है रिसर्च करके होता है, और वीडियो पूरा देखिएगा, और समय है तो देखिए, नहीं तो वीडियो बाद में देखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि जब मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया तो फिर मेरे वीडियो बनाने का भी कोई मकसद नहीं है। और फ्रेंड, यहाँ पे हम बता दें कि ये जो टिप्स है फ्रेंड, बॉलिंग टीम, मान लीजिए जो टीम बॉलिंग कर रही है, बॉलिंग के ऊपर है, और समझिए कि एक तरफा टीम है ये, और एक तरफा टीम हर एक मैच में आता है, मतलब कि सभी मैचों में नहीं आता है, लेकिन आपको बता दूं कि 50-60% मैच हो, 50% 50-60% उसमें आता है, और बॉलिंग पिच पे आता है। और ये जो टीम होता है फ्रेंड, आईपीएल में अगर हर एक मैच में नहीं, लेकिन ऐसे मैच में जो टीम ज़्यादा मजबूत है और एक टीम कमज़ोर है, उस पर ट्राई कीजिएगा, और इस तरह से बनाते हैं। अब कहीं चल गया आपका टीम तो रैंक वन तो आपका आएगा ही। और इस टीम को बनाने में, खास बात मैं बता दूँ, इस टीम को बनाने में, इस जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, इस टिप्स पे ज़्यादा टीम नहीं बनेगा फ्रेंड। 5 से 6 मतलब कि कॉम्बिनेशन में ही आपका ये टिप्स जो है वर्क कर जाएगा। समझिए कि 5 से 6 टीम अगर लगाते हैं तो इस टिप्स को जो है 100% कवर कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे टिप्स होता है फ्रेंड, या बहुत सारे मैचेज होते हैं जिसको टीम को कॉम्बिनेशन करने में आपका 20-20 टीम लग जाएगा, 15-15 टीम लग जाएगा, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है फ्रेंड। 6 से 7 टीम अगर अपने मन से बना दिया, दिल से बना दिया, सोच के बना दिया, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ बढ़िया से, तो समझिए आप
करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये टिप्स अगर मान लीजिए 5-6 टिप्स लगा रहे हैं और आपका जो है वर्क नहीं किया तो पैसा जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री फीस आएगा या उसमें लॉस भी होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा बकवास को छोड़ते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप समझे तो भी ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक, लेकिन ये टिप्स जो है वर्क करेगा और जिसमें वर्क करेगा जिंदगी बदलेगा। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, मेरा जो कहना है कि जो टीम बॉलिंग कर रही है उसी के फेवर में ही हमको टीम बनाना है और बॉलर को ही हमको कैप्टन बनाना है, ठीक है ना। कप्तान बनाइए, कैप्टन बनाइए। और कौन से बॉलर को फ्रेंड? फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर एज ए डेथ बॉलर, उसको हमको कप्तान बनाना है, समझ लीजिए। और डेथ बॉलर कप्तान अक्सर कुछ कुछ मैचों में होते रहते हैं, ये कोई नॉट वर्किंग वाला टिप्स नहीं है, होते रहते हैं, ठीक है ना। अब हमको डेथ बॉलर को कप्तान बनाना है। डेथ बॉलर में कौन से दो बॉलर को लेकर चलिएगा फ्रेंड? दो बॉलर डेथ बॉलर होता है, सभी यूट्यूबर बोलते हैं एक बॉलर, लेकिन नहीं, जो 19-20-17 आखिरी के तीन ओवर जो करता है वही डेथ बॉलर कहलाता है। 17-18 ये चार ओवर जो है सब कोई रिक्स लेता है मारने के लिए, लेकिन ज़्यादातर रिक्स होता है 19वां और 20वां, दो ओवर होता है जो कि ज़्यादा लोग टारगेट करता है कि इस दो ओवर में हमको रन मारना है। तो आप देखिए हर एक मैच अपना जाकर देखिए कि कौन सा बॉलर है जो आखिरी के दो ओवर फेंकने आता है, ठीक है, उसी को कप्तान बनाना है। और समझ लीजिए उसको हम कप्तान बना दिए तो हमको टीम किस तरह से बनाना है, तो पहला स्टेप तो हमको डेथ बॉलर को बनाना है, ठीक है, फास्टर एज ए फास्टर बॉलर। और वही बॉलर फ्रेंड शुरू में बॉल लेकर आते हैं, फर्स्ट ओवर या सेकेंड ओवर। अब हमको जो है डेथ बॉलर को कप्तान बनाना है। अब हमको क्या करना चाहिए, कुछ कॉमन टिप्स मैं बता रहा हूँ। अब इससे कॉमन टिप्स ये है फ्रेंड कि आपको उस टीम के चार बॉलर लेना है, ठीक है, चार बॉलर, हर एक टीम में 5 बॉलर होते हैं, तो उस टीम के चार बॉलर आपको लेना ही लेना है, 100% लेना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि इस जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसी के आधार पे आपको टीम बनाना है, उसी के आधार पे चलना है, तो आपको तो उसको मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसको मानना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप इस हिसाब से टीम बना गया उसी वैसे ही अगर वर्क कर गया उस दिन समझिए आपका लॉक उसी हिसाब से टीम चलने लगा, तो फिर आपके समझिए उस दिन जिंदगी बदल ले जाएगा। तो पहला तो यह है फ्रेंड, चार बॉलर आपको लेना है और उसमें से छाटे तो एक बॉलर के मतलब एक बॉलर तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप तो एक डेथ बॉलर को ले लिए, उसमें से बच गए चार बॉलर, तो चार टीम ऐसा बनाइए जिसमें एक एक बॉलर को आपको छाटिए। आप बेफिक्र होकर टीम बनाइए, कोई सा भी फेल ऑफ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एम वसीम है, एक मैच में चार बॉलर को लिए, एम वसीम को छाट दिए, फिर एक मैच में चार बॉलर लिए, एम नवाज को छाट दिए, फिर एक मैच में जो है चार बॉलर लिए, सदाफ खान को छाट दिए। मेरा कैप्टन फ्रेंड एक ही होना चाहिए डेथ बॉलर का, ध्यान दीजिएगा, एक ही बॉलर होना चाहिए। अगर आप दो डेथ बॉलर के ऊपर टीम बनाना चाहते हैं तो फिर आपका उसको डबल टीम करना होगा, जैसे कि 12-15-18, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टीम लगाते हैं तो फिर आप लगाइए पैसा, निकालिए आप 1 करोड़ इस बार के IPL में, निश्चित ही निकालेंगे फ्रेंड। अभी हम IPL के ही टीम पर लेकर के चलते हैं, उसी टीम के आधार पर बताते हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मैच है फ्रेंड, ये मैच जो है, ये टिप्स जो है अंतर्राष्ट्रीय में भी वर्किंग करेगा, मतलब इंटरनेशनल मैच सभी मैच में, ठीक है ना। लेकिन किस मैच में बॉलर कप्तान बनेगा ये कोई नहीं कह सकता है, ये बस आप उस हिसाब से आँख मूंद करके हर एक टीम में आपको मैच लगाना होगा। बस ऐसे नहीं कि आज टीम लगाए वो कप्तान नहीं बना, कल उस टिप्स को फॉलो करना बंद कर दिए। अगर आपके पास पैसा है तो हर एक मैच में इस टिप्स को फॉलो कीजिए, बॉलिंग टिप्स पे, और आपका एक ना एक दिन वो वर्क करना ही करना है, 100% करना है, हाँ, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए हमको डेथ बॉलर का हमको कैप्टन बनाए, फिर उसी के चार बॉलर तो ये बता दिए फिर। अब हमको क्या करना है, उसके मात्र दो बॉलर लेना है जो अगेंस्ट टीम है, ठीक है ना, जो एंगेस्ट मतलब समझिए जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके तो चार बॉलर होगा, और जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके जो है चार ही प्लेयर लेना है, प्लेयर चार लेना है, बॉलर और बैट्समैन दोनों मिलाकर के चार ही प्लेयर लेना है, ध्यान से समझिएगा। जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके चार बॉलर और 3 बैट्समैन, यानी कि जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके 7 प्लेयर लेना है। जो टीम, एक बार और समझ लीजिए, जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके 7 प्लेयर को हमको ले लेना है, ठीक है ना,
सात प्लेयर को लेना है किसी भी हालत में, सात प्लेयर आप इजी स्टेप है फ्रेंड। जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके चार बॉलर ले लिए और दो बैट्समैन टॉप के ले लिए, ऊपर जो बैटिंग करने आता है उसको ले लीजिए 1-2-3 डाउन का, या फिर दो ओपनर में से किसी एक को छाटिए। पहले तो सात प्लेयर समझ लीजिए जो टीम बॉलिंग कर रही है, जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके तीन बैट्समैन आपको लेना है, और जो टीम बैटिंग कर रही है उसके दो बैट्समैन और दो बॉलर लेना है, ठीक है। यानी कि चार प्लेयर उसको लेना है जो टीम बैटिंग कर रही है, और जो टीम बॉलिंग कर रही है, जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके सात प्लेयर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टीम बैटिंग कर रही है उसके दो बॉलर आपको ले लेना है, एक टीम बनाना है जिसमें दो बॉलर लेना है। जो टीम बैटिंग कर रही थी उसके दो बॉलर को ले लेना है, ठीक है। एक बॉलर शुरू का ले लीजिए, एक और एक बॉलर जो है बीच का ले लीजिए। अब जो टीम बैटिंग कर रही है ध्यान दीजिएगा, उसको ओपनर जो है भूल के भी दोनों को नहीं लेना है, गलती आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओपनर को भूल के भी दोनों ओपनर को मत लीजिए। फिर भी अगर दोनों ओपनर को आपको अगर लगता है कि दोनों ओपनर ही चलेंगे तो फिर दोनों ओपनर को लीजिए, बाकी सब बैट्समैन को हटा दीजिए। अब यहाँ पे एक टीम आपको बनाइए कि एक ओपनर को लिए एक को छाड़ दिए, जैसे कि शुरू का एक नंबर का प्लेयर लिए दूसरे को छाड़ दिए, फिर एक मैच में जो है शुरू दूसरे नंबर का बैट्समैन लिए एक नंबर के छाड़ दिए। इस हिसाब से दो टीम तो यहीं बन गया फ्रेंड, दो टीम तो सिर्फ उसके ओपनर पे हो गया, ठीक है। और चार चार टीम आपके उसके बॉलिंग के तरफ हो गया। अगर आप 100% लगाना चाहते हैं तो समझिए आपका 8-9 टीम जाएगा, चार टीम तो उसके बॉलिंग के तरफ हो गया कि हम, या फिर अगर आप कोई ऐसा एक बॉलर आपको ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है कि जो ये 100% नहीं चलेगा, बस आपका तो एक बॉलर का चार टीम तीन टीम का तो वहीं पे कम पड़ गया, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते हैं कि हमारा चारों प्लेयर का हम लेकर चारों बॉलर का लेकर चले, तो चार टीम बॉलर का हो गया, दो टीम यहाँ पे बैट्समैन का हो गया, ओपनर पे छः टीम हो गया। अब एक और बैट्समैन लेना है आपको, एक बैट्समैन जो आप लीजिएगा फ्रेंड सातवें नंबर पर जो बैटिंग करने आए, आप गिन लीजिएगा ऊपर से सातवें या पाँचवें, ठीक है ना, नंबर पाँच या नंबर सात, दो टीम यहाँ पे हो जाता है। एक एक प्लेयर आपको लेना है नंबर पाँच का, एक प्लेयर लेना है आपको नंबर सात का, और आपके जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके टॉप के दो बैट्समैन ले लीजिए। ये हो गया फ्रेंड। अब यहाँ चलते हैं वाइस कैप्टन की तरफ, वाइस कैप्टन हम किसे बनाएं। पहला तो ये है, कैप्टन तो आप बना लीजिए, अपने बॉलर को बना लीजिए। वाइस कैप्टन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो टीम बॉलिंग कर रही है, सॉरी जो टीम बैटिंग कर रही है उसके ऑलराउंडर को, ठीक है ना। और एक में बनाइएगा फ्रेंड वाइस कैप्टन, जो टीम बैटिंग कर रही है उसी के बैट्समैन को, ठीक है ना, जो टीम बैटिंग कर रही है उसी के बैट्समैन को वाइस कैप्टन। फिर एक में और बनाइएगा, जो टीम बॉलिंग कर रही है उसी के ऑलराउंडर को, ध्यान दीजिएगा जो टीम बॉलिंग कर रही है उसी के ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन कर दीजिए। फिर उसी एक टीम बनाइए जिसमें उसी के बैट्समैन को वाइस कैप्टन कर दीजिए। एक टीम बनाइए कि जो टीम बैटिंग करे उसके ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन कर दीजिए। अब यहाँ पे फ्रेंड बात करेंगे कि एक टीम वाइस कैप्टन ऐसा बनाइए कि जो टीम बैटिंग कर रही है उसके ओपनर को, जैसे कि मान लीजिए मेरे दो ओपनर को में से किसी एक को लेना है, तो जो जो ओपनर लिए हैं उसी के एक प्लेयर को जो है बैट्समैन को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, चार इसके बॉलर आ गए, जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके बॉलर जो है यहाँ पे कैप्टन बन गए, उसके ऑलराउंडर वाइस कैप्टन। ये टिप्स तो हम बताए ही दिए थे, उसके दो बॉलर को आपको लेना ही लेना है किसी भी हालत में, दो बॉलर लेना है, दो बॉलर ले लिए। जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके शुरू के दो बॉलर में से किसी एक बॉलर को, हम बॉलर है ना, शुरू के दो बॉलर में से किसी एक बॉलर को, और फिर एक बॉलर जो मिडिल में बॉल करता है उसको, और जो टीम बैटिंग कर रही है उसके तीन बैट्समैन, भले सॉरी जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके तीन बैट्समैन जो कि शुरुआत के हो। ये टिप्स। अभी फ्रेंड हम फिर दूसरा टीम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, चेन्नई का मैच था, यहाँ पे जो टीम डेथ बॉलर का है उसके
उसके बॉलर को यहाँ कैप्टन बना दिए फ्रेंड, उसी के ऑलराउंडर यहाँ देखिए वाइस कैप्टन ही, मेरा लॉजिक ये बनता है कि उसी के ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन, जो टीम बॉलिंग कर रही है उसी के ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन, जो टीम बैटिंग कर रही है उसी के दो बॉलर। तो फ्रेंड यहाँ समझ गए कि एक तो शुरू का बॉलर लेना है, एक तो मिडिल का बॉलर लेना है। अब यहाँ फ्रेंड हम एक और आपके आईपीएल का ही टीम यहाँ पे हम बता रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड देखिए प्रसिद्ध कृष्णा एज ए डेथ बॉलर कप्तान बन गए, ठीक है, ड्रीम टीम का। उनके चार बॉलर, यहाँ पे चार बॉलर देख लीजिए, चार बॉलर हैं। जो टीम यहाँ पे, सॉरी नारायण जो यहाँ बैटिंग करने की वजह से आए हैं, और ये चार बॉलर। अब जो टीम बैटिंग कर रही थी उसके दो बॉलर, एक शुरू का एक बीच का, उसके तीन बैट्समैन, एक ऑलराउंडर लेकर के यहाँ तीन बैट्समैन, और जो टीम बैटिंग कर रही थी उसके दो बैट्समैन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड उसके चार बॉलर। ये फ्रेंड मैच हुआ है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, ये अंतर्राष्ट्रीय मैच है इसका हम बता रहे हैं। चार बॉलर, जो टीम यहाँ पे अजय देत बॉलर, जेसन होल्डर कप्तान, उसी के बॉलर यहाँ पे वॉयस कप्तान, यहाँ पे एक बॉलर, ये एक बॉलर, उसके तीन बैट्समैन, उसके तीन बैट्समैन। आप चाहे तो यहाँ बी किंग को भी वॉयस कैप्टन बना सकते थे आप, अगर ये वॉयस कैप्टन कॉटल को ना बना करके अगर कोई बी किंग को भी यहाँ पे वॉयस कैप्टन बना देता, क्योंकि बी किंग के इतना पॉइंट किसी का नहीं है देखा जाए तो, 70 पॉइंट उसके बाद कॉटरेल के बाद, तो बी किंग के बाद को भी अगर वॉयस कैप्टन बनाता तो आराम से ग्रैंड लीग निकाल देता। उसके दो बैट्समैन, यहाँ पे दो बैट्समैन देख लीजिए फ्रेंड। यहाँ पर फ्रेंड देखिए इंडिया का मैच था, ये चार बॉलर, उसके जो टीम उसके दो बॉलर यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड चार बॉलर यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, पिटोरियस जो है आखिरी को ओवर लेकर आते हैं, ये T20 वर्ल्ड कप का है। चार बॉलर, दो बॉलर यहाँ पे, 100% वर्किंग टिप्स है फ्रेंड, जो टीम बैटिंग करे उसके दो बॉलर। आप मानिए या ना मानिए, मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो 100% वर्क करेगा फ्रेंड। यहाँ पे देखिए चार बॉलर, बुमराह अश्विन, चार बॉलर उसके आ गए, उसके दो बॉलर यहाँ पे, दो बॉलर, एक ऑलराउंडर है फ्रेंड। तो दो बैट्समैन हमको लेना है, या तो एक बैट्समैन ले लीजिए एक ऑलराउंडर ले लीजिए, लेकिन हमको बैट्समैन में दो ही बॉलर, लेकिन बैट्समैन ऑलराउंडर लीजिएगा, जो ऑलराउंडर लीजिएगा ऐसा ऑलराउंडर जो बैटिंग करता हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये फ्रेंड बताए हुए हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उसके चार बॉलर, बॉलर ये हेजलवुड डेथ बॉलर कप्तान, उसी के ऑलराउंडर वॉयस कप्तान, ठीक है। यहाँ पे दो बॉलर, अब इसमें फ्रेंड तीन बॉलर होने के कारण है कि एक कोई ऐसा बॉलर होगा जो कि रन मारा होगा, कोई कोई बॉलर रन भी मार देता है फ्रेंड, तो इसका थोड़ी पता है कि कौन सा बॉलर रन मार देगा आज, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके चार बॉलर यहाँ पे देखिए, चार बॉलर, उसी के टीम के दो बॉलर, शुरू में बॉल फेंकने वाले रामपॉल, एक शुरू का बॉलर लेना है आपको, एक मिडिल लेना है, उसके चार बॉलर यहाँ पे देखिए, ये चार बॉलर, ये पाकिस्तान का मैच है, उसी टीम का यहाँ पे दो बॉलर। ये अलग बात है कि वॉयस कैप्टन बन गए, लेकिन बॉलर तो दो ही है ना फ्रेंड, आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वॉयस कैप्टन के लिए, लेकिन जो मैं वॉयस कैप्टन बोला हूँ वो ज़्यादातर वहीं आते हैं, वो कोई बॉलर एक है। यहाँ पे देखिए उसके चार बॉलर, जो टीम बैटिंग कर रही थी उसके दो बॉलर, यहाँ पे देखिए
फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए सिर्फ हम हल्का सबको दिखा रहे हैं, सभी टीमों को एक एक बार दिखा रहे हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ इससे अलग हट का कुछ एक अलग कॉम्बिनेशन का टीम लेकर आएंगे फ्रेंड, बहुत ही ईजी टीम लेकर आएंगे, जो इस प्रकार जो ये टीम ईजी है फ्रेंड, इस कॉम्बिनेशन पर टीम बनाना बिल्कुल ही ईजी है। 7 प्लेयर लेना है, जो टीम बैटिंग कर रही है उसके 4 ही प्लेयर लेना है, 2 बॉलर तो हो ही गया, 2 बॉलर लेना है, उसके 2 बैट्समैन में से कॉम्बिनेशन बनाना है, उसी हिसाब से एक और इससे भी आसान सा टीम लेकर आएंगे, उस टीम के माध्यम से भी आप ग्रैंड लीग निकाल सकते हैं। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट था, इसमें 7-8 टीम भी लगा सकते हैं इस माध्यम से, लेकिन इसके बाद जो फ्रेंड टीम लेकर आएंगे उसमें मात्र 3-4 टीम लगाएंगे और आप ग्रैंड लीग निकाल देंगे। मिलते हैं।